जी नमस्कार, लखनऊनामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये एक इंटरव्यू है इंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय या उससे अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में सुभाष छात्रावास में हूँ, मेरे साथ बीएससी के छात्र हैं। ये आपको पूरी जानकारी देंगे क्योंकि मैं अगर आपको जानकारी दूंगा वो तो सालों से देता आया हूँ कि ये सवाल आएंगे, ये ऐसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ये सब्जेक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि जिसने एंट्रेंस क्रैक किया वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है चीज़ों को, क्या उसने पढ़ा था, क्या आया, क्या नहीं आया और क्या आ सकता है इस बार के जो होने वाले एंट्रेंस हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैं माइक लगा देता हूँ क्योंकि मेरे सवाल पहले आपको बता देता हूँ। सवाल ये होता है सबसे पहले छात्रों का कि वो पढ़े तो पढ़े क्या और सोर्स कौन सी बुक पढ़े, क्योंकि बथेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं। तो आपने एंट्रेंस क्रैक किया, आपको सुभाष हॉस्टल मिला, मतलब हॉस्टल अगर लड़के को मिल जाता है तो ये जरूर है कि उसको रैंक जो है उसकी अच्छी ही रही होगी, कोई खराब रैंक वालों को तो हॉस्टल नहीं मिलता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने तैयारी कैसे की थी, कैसे कैसे सवाल एंट्रेंस में पूछे गए थे और क्या क्या बुक आपने प्रेफर की थी पढ़ाई के लिए एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। मैं माइक लगाता हूँ आपको, ठीक है, इससे बेहतर तरीके से वॉइस आ जाएगी और आप बता पाएंगे। तो मैंने जो है भैया पहले पहले मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो की थी, और क्योंकि एनसीईआरटी जो है मैथ्स के लिए बेस्ट है और मैथ्स पे बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं एंट्रेंस में वो चार सब्जेक्ट से आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और क्योंकि मैंने मैथ्स से ऑप्ट किया था यहाँ बीएससी, तो मेरे जो पेपर में आए थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक बेसिक कंप्यूटर था। तो यहाँ कंप्यूटर के लिए बेसिक नॉलेज एनफ है, वो जनरेशन और इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्हीं सब से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर की क्वेश्चंस की बात करें तो जो जनरल क्वेश्चन है कंप्यूटर के, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, अगर वो आपने पढ़ लिया तो आप अच्छे से इजीली से एंट्रेंस क्रैक कर जाएंगे। क्लास 8th, 9th और 10th का अगर बेसिक पढ़ लें तो एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो किस लेवल के क्वेश्चन थे, क्लास 11th और 12th में जो पढ़ा था उसी से सवाल आए थे या उससे ऊपर लेवल के थे, और क्या जो पेपर का पिछली बार लेवल था वो क्या आप खुद से करेंगे, एवरेज था, मीडियम था कि हाई था, और कैसे सवाल पूछे गए थे, कुछ सब टॉपिक्स जो याद हूँ अभी आपको वो आप बताने का कष्ट करें जिससे आने वाला जो आपका जूनियर बैच है उसको बहुत आसानी हो कि वो ये टॉपिक्स पढ़ेगा तो वो एंट्रेंस क्लियर कर लेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्लास 11th का जो सिलेबस का पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही आता है, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा था कि एंट्रेंस में जो 11th का पोर्शन है वो थोड़ा कम आया था और जो क्लास 12th का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा आया था। तो क्योंकि शुरू शुरू में एग्जाम्स देखे हम लोग गए थे 12th का, तो वो थोड़ा ज़्यादा रिविज़न में था, तो इस वजह से हमने 12th वाले पोर्शन पर ज़्यादा फोकस किया और उसी हिसाब से एंट्रेंस में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए। और अगर बात करें फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो इन सब में मैथ्स में अगर आप कैलकुलस को थोड़ा अच्छे से देख लें तो आपके अच्छे से कट ऑफ आ जाएंगे। और बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बेसिक लेवल का 12th हो जाएगा, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वगैरह, उससे थोड़ी थोड़ी डायमेंशंस के ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। और 12th का जहाँ तक बात करें तो एनसीईआरटी की कई सारी जो लाइनें होती हैं वो डायरेक्ट उनमें से क्वेश्चन बना के और दे दिया जाता है। अच्छा, एक कोई लाइन दे दी और पूछ लिया उसके बारे में सवाल। और केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो केमिस्ट्री से कुछ डर सा होता है उनके अंदर, तो मैं इस डर को दूर करने के लिए ये कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री के लिए आप बेहतर तरीके से एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो वो काफी ज्यादा बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, मतलब ये है कि जो पेपर का लेवल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि छात्र जो है बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, अलग अलग जिले से भी आते हैं, उनके मन में एक डर सा होता है कि हम विश्वविद्यालय में जा रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय जो नेक ए प्लस प्लस ग्रेड है, अच्छी रैंकिंग है और बहुत छात्र, मतलब एक भीड़ होती है, उमड़ जाती है एंट्रेंस देने के लिए और उसमें से कुछ चुनिंदा लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ये जो डर है वो कैसे दूर होगा, मतलब क्या वो एनसीईआरटी और ये बेसिक जो इतने चीजें हैं पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा कि इससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें आ जाएंगी? नहीं, देखिए जहाँ तक मैं यहाँ पे पहली बार आया तो मुझे विश्वविद्यालय की खूबसूरती और यहाँ का पढ़ाई का माहौल देख के बहुत अच्छा लगा और लगा कि मुझे यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए, बस मेरा एडमिशन यहाँ पे हो जाए। और शुरू शुरू में थोड़ा सा डरा हुआ था मैं, लेकिन डरने जैसी कोई बात है नहीं, आप अगर अच्छे से क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, 12th पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं 12th पे थोड़ा 11th में कुछ शरारते कर देते हैं और मस्ती में
तो नया माहौल पता नहीं चल पाता है। तो यही करना है कि क्लास 11th पे फोकस उतना ज़्यादा ना करिए, क्योंकि आपने अगर छोड़ दिया पहले उसको, तो क्लास 12th पे, क्योंकि उसको आपने हाल ही में पढ़ा है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए, और क्लास 11th के जो बेसिक एक दो चैप्टर्स होते हैं शुरू के वो पढ़ लेंगे अगर, और क्लास 12th का जो है अभी फ़िलहाल में आपने पढ़ा है उसको आप ठीक से रिविज़न कर लीजिए, तो आप अच्छा कर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप क्लास 11th और 12th में जो आपने पढ़ाई की है उसी को पूरी तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि सवाल ना हम बनाते हैं ना आपके द्वारा किसी को पता लगेगा ना आप बनाते हैं। तो ऐसा वाला कोई सवाल नहीं है कि भैया हम बनाते हैं आप बनाते हैं, हम भी यहीं के छात्र रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम के छात्र हैं। तो इनका ये एक्सपीरियंस था कि भैया 11th और 12th और 12th पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं कि घुमा फिर आगे पूछे जाते हैं? ज्यादातर क्योंकि मैंने जेई मेंस का पेपर भी दिया हुआ था उस टाइम पे, तो जेई मेंस के कंपैरेटिवली ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा आसान था। तो हमें यही करना है कि एनसीईआरटी, मैं बार बार एनसीईआरटी को ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो अगर आपके हिसाब से बोले तो हाँ कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा था नहीं। डिफिकल्टी लेवल उतना हाँ ज्यादा नहीं था, कोई ऐसे बुक सजेस्ट, जैसे एनसीईआरटी तो हाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी कब क्वेश्चन से? हाँ सीरीज के लिए कोई सीरीज सेलेक्ट करेंगे कि भैया ऐसे ऐसे एमसीक्यू यहाँ से पढ़ लो तो यहाँ से सवाल फंस सकते हैं? हाँ तो पहले से कई जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो मैं यही करके गया था कि मैंने जब अच्छे से रिवीजन कर लिया तो मैंने खुद को टेस्ट करने के लिए अपना जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाले एक दो और उनसे प्रैक्टिस की। उसके बाद अपने आप को इवेलुएट किया, उसके बाद फिर मेरे को जिस जिस टॉपिक्स में कमजोरी लगी और मुझे लगा कि मैं इसमें सही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने फिर से उसको इम्प्रूव किया और देन आफ्टर फिर एक दो क्वेश्चन पेपर लगाए और फिर आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कहूंगा कि आपका जो बेसिक है उसको पढ़िए अच्छे से, जैसा इन्होंने बताया उस तरीके से पढ़िए। एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखिए, जो सवाल आएंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होंगे। बीएससी में जो आप 11th और 12th में आपने जो पढ़ा है वही सवाल आते हैं, और बेसिक कंप्यूटर के सवाल आते हैं जो आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद एक हफ्ते भर में, 10 दिन में, क्योंकि हम 2-3 महीने पहले एंट्रेंस से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो एक सारे बीएससी स्टूडेंट जो हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शॉर्ट नोट बना दे, ये टॉपिक थे, ये टॉपिक रिपीट हुए थे, ये आए थे हमारे टाइम, तो वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा कि ये टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं। ये ओवरव्यू वीडियो था कि हाँ आपको अगर बीएससी का एंट्रेंस देना है लखनऊ विश्वविद्यालय में तो ये इस तरीके से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। We'll be right back.